आज हमारे पास हमारे विज्ञान की वजह से अनेकों उपलब्धियां हैं, अनेकों ऐसे ग्रह खोज लिए गए हैं जहां पूरी संभावना है जीवन के होने की। ऐसे ग्रहों को हमने सुपर अर्थ का दर्जा दिया है। ब्लैक होल जो कि दिखाई नहीं देते, आज विज्ञान की एडवांसमेंट से हम उनकी तस्वीर भी ले चुके हैं। हालांकि वो तस्वीर ब्लैक होल के आसपास मौजूद एक्रिजन डिस्क की है। सुपरनोवास, गैलेक्सीज और पता नहीं क्या क्या हमारी नॉलेज में ऐड होता जा रहा है, जबकि ये सब चीजें हमसे हजारों, लाखों और करोड़ों लाइट ईयर दूर हैं। लेकिन एक चीज है जो हमारे बेहद ही करीब है, वो चीज हमारी धरती पर जीवन को चला रही है, लेकिन उसके रहस्य आज भी हमारे लिए पहेली बने हुए हैं। जी हाँ, वो है हमारे सौरमंडल को चलाने वाला हमारा सूर्य। अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ही रहस्यों को खोजने निकला है। इससे मिल रहा डेटा अनेकों पहेलियां सुलझाता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं हमारे सूर्य से, जिन्हें सुलझाना अकेले पार्कर सोलर प्रोब के बस की बात नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो सूर्य के छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने की एक बड़ी कोशिश है। नासा ईएसए का सोलर ऑर्बिटर मिशन, जो कि नासा और ईएसए द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। सोलर ऑर्बिटर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 9 फरवरी 2020 को सुबह 11:03 पर केप कैनेवरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। स्पेसक्राफ्ट ने अपने सोलर पैनल्स को सफलतापूर्वक डिप्लॉय कर लिया है और आगे के प्लान्स पर काम किया जा रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट वीनस और मरकरी के ऑर्बिट तक जाकर सूर्य को इस तरह से स्टडी करेगा जैसे पहले कभी नहीं किया गया। ये पता लगाएगा हमारे सूर्य के 5 ऐसे रहस्यों के राज जो आज तक हमसे छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं इन 5 रहस्यों के बारे में। नंबर 1, सोलर इरप्शंस कब हमारी ओर आ सकते हैं। सोलर ऑर्बिटर हमारी पृथ्वी और सूर्य की दूरी के मुकाबले 0.28% सूर्य के नजदीक चला जाएगा। इससे पहले कोई भी मिशन सूर्य के इतना करीब नहीं गया है। अगर बात करें नासा के पार्कर सोलर प्रोब की, तो वो सिर्फ 0.40% की दूरी पर है। सोलमैग प्रोजेक्ट पर काम कर रही एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर एमिलिया ने कहा है कि वो सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा इरप्शंस को स्टडी करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब के पास उस लेवल के इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, लेकिन सोलर ऑर्बिटर के इंस्ट्रूमेंट से इस विषय पर हम गहन अध्ययन कर सकते हैं। सोलर ऑर्बिटर पर लगे 21 सेंसर्स हमें सूर्य को पूरी तरह से मॉनिटर करने की ताकत देंगे। सोलर ऑर्बिटर से जुड़ी एक खास और सबसे बेहतर बात ये है कि ये सूर्य के इर्द गिर्द अलग अलग डिस्टेंसेज को कवर करेगा, जिससे हमें कोरोनल मास इजेक्शंस को कैप्चर करने के कई मौके मिल सकते हैं। जब भी कोई कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य से पृथ्वी की ओर आएगा, तो उसको भी मॉनिटर करके डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा, जिससे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को और बेहतर बना पाएंगे। नंबर 2, सूर्य से सुपरसोनिक विंड्स क्यों निकलती हैं? सूर्य के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि सूर्य का बाहरी एटमॉस्फेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है, वो इतना ज्यादा गर्म क्यों है? सूर्य की सरफेस भी इतनी गर्म नहीं है जितना गर्म इसका आउटर रीजन है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोरोना का तापमान मिलियन डिग्रीज तक चला जाता है, जो कि वाकई में बेहद ही ज्यादा गर्म तापमान है, और हमें नहीं पता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कोरोना का तापमान सूर्य की सरफेस के तापमान से 200 गुना ज्यादा है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि वहां जरूर कुछ न कुछ अजीब तो चल रहा है। माना जाता है कि इसी कोरोना की वजह से सूर्य से कांस्टेंट विंड पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिन्हें हम सोलर विंड्स के नाम से जानते हैं। ये सोलर विंड्स 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तक चली जाती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सोलर विंड्स अपनी गति में इतना बड़ा चेंज कैसे लेकर आती हैं, ये कैसे सुपरसोनिक विंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर ऑर्बिटर से धीमी गति की सोलर विंड्स को स्टडी किया जाएगा, जिससे शायद हम ये एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएं कि सूर्य जैसे तारों से सुपरसोनिक विंड्स कैसे निकलती हैं। सूर्य के नजदीक जाकर
सूर्य के नजदीक जाकर सोलर ऑर्बिटर ज्यादा से ज्यादा सोलर विंड्स पार्टिकल्स को इकट्ठा कर पाएगा, जिससे हम सोलर विंड्स की कॉम्पोजिशन को भी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। हम एक बेहतर मॉडल बना पाएंगे कि सूर्य सोलर विंड्स को आउटर स्पेस में कैसे फेंकता है। नंबर 3, सूर्य के पोल्स कैसे दिखते हैं। मिशन के दौरान सोलर ऑर्बिटर वीनस ग्रह के पास बार बार आएगा और हर बार सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। मानकर चलो कि अगर ये मिशन 2030 तक चलता है तो उस समय तक इसके ऑर्बिट का इंक्लिनेशन 33 डिग्री हो जाएगा, जिससे हम पहली बार सूर्य के पोल्स को अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये बात सच है कि हमने आज तक सूर्य के पोल्स को नहीं देखा है। वहां आखिर क्या है, वहां कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं? खैर, रोमांच को साइड में रखते हुए इम्पोर्टेंट साइंस की बात की जाए तो सोलर ऑर्बिटर सूर्य के पोलर मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा, जिससे आशा है कि हम सूर्य के बारे में कुछ ऐसा समझ पाएंगे जो हमारे सवालों का जवाब बन पाए, जैसे कि सूर्य पर 11 सालों का साइकिल क्यों चलता है। सूर्य 11 सालों तक शांत रहता है, लेकिन 11 साल बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हमें अभी नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। अनुमान है कि सूर्य के हायर एल्टीट्यूड्स की स्टडी करने से हमें इसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। ये स्टडी हमें सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड एवोल्यूशन के बारे में अच्छा डेटा प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 4, सूर्य पर पोलर क्राउन्स क्यों हैं? सूर्य कभी कभी बहुत बड़े बड़े लूप्स में मटेरियल इरप्ट करता है अपनी सरफेस से। ये लूप्स सूर्य की सरफेस से निकलते हैं और कोरोना तक जाते हैं, लेकिन इन लूप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है ये अभी हमारी समझ के बाहर है। सोलर ऑर्बिटर इसकी सबसे डिटेल्ड तस्वीरें हमारे सामने पेश कर सकता है। इन लूप्स पर हमारी समझ अभी बहुत सीमित है। सोलर ऑर्बिटर से ये भी संभव हो सकेगा कि हम इन लूप्स की हर सेकंड अनेकों तस्वीरें ले सकते हैं, जिससे सूर्य की ऐसी डायनेमिक्स देखने को मिल सकती है जो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। हम पहली बार इसे विजुअलाइज कर पाएंगे। सूर्य पर पाए जाने वाले ये लूप्स पोल्स पर ज्यादा पाई जाती हैं और बड़े लूप्स भी पोल्स पर ही दिखाई देते हैं। सोलर ऑर्बिटर पोल्स पर हमें इन लूप्स की कुछ रोमांचकारी तस्वीरें दे सकता है। इन लूप्स को जो सूर्य के पोल्स पर पाए जाते हैं क्राउन कहा जाता है, जो कि सूर्य के सर पर किसी ताज की तरह दिखाई देते हैं। ये लूप्स कई दिनों तक या कई महीनों तक सूर्य के पोल्स पर बने रहते हैं, जिससे सोलर ऑर्बिटर को इन्हें स्टडी करने का पूरा समय भी मिल पाएगा। बाकी ये तो समय ही बताएगा कि हमें और क्या क्या गहरी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। नंबर 5, सूर्य सौर मंडल को कैसे कंट्रोल करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सोलर ऑर्बिटर हमें एक अच्छी समझ दे सकता है कि हमारा सूर्य कैसे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, कैसे इससे निकलने वाले इरप्शंस आउटर स्पेस में ट्रेवल करते हैं, जिससे एक बेहद ही बड़े बबल का निर्माण होता है, जिसे हम हेलियोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये हेलियोस्फीयर हमारे सूर्य का वातावरण है। सूर्य को स्टडी करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर पल रहे जीवन को प्रभावित करता है। इस स्टडी से सूर्य के कुछ नए मॉडल्स और सिमुलेशंस सामने आ सकते हैं, जिससे सूर्य के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। केवल सूर्य ही नहीं, इस मिशन से हमें पता चलेगा कि ग्रह कैसे सूर्य से इंटरैक्ट करते हैं, हमारी धरती पर कैसे सूर्य लाइफ को चला रहा है, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड और सूर्य का वातावरण कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, ये जानना भी हमारे लिए इस मिशन के मुख्य टारगेट होंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे सूर्य के 5 अनसुलझे रहस्य, जिनसे आने वाले समय में पर्दा उठ सकता है। सोलर ऑर्बिटर इस काम में परफेक्ट है और आशा है कि हम सूर्य को और गहराई से समझ पाएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है सूर्य के इन रहस्यों के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।